इस वीडियो में हम 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिज ट्रस। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री लिज ट्रस बनेंगी। उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एल्विस अली हजारिका। असम के पूर्व अंतरराष्ट्रीय तैराक एल्विस अली हजारिका ने उत्तर पूर्वी उत्तर आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच एक जल डमरू मध्य नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले और सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। 40 वर्षीय एल्विस अली हजारिका ने 14 घंटे 38 मिनट के समय में इसे पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सचदेव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। MD एंड CEO प्रशांत त्रिपाठी है। इसके संस्थापक अनिल जीत से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एल नागेश्वर राव। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन करने और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए 5 प्रश्न। भारतीय संघ न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित हैं या 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है और हाईकोर्ट की 62 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री HJ कानिया हैं। संविधान में अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला राष्ट्रीय हिमाचल प्रदेश पर कैथली घाट और शिमला के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा एक्स्ट्रा डोज ब्रिज बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर R.K. रजन ने भारत की पहली तैराकी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकतक झील मणिपुर। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर R.K. रंजन सिंह ने बुधवार को मणिपुर के विष्णुपुर जिले में लोकतक झील में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस प्रदर्शन का देश भर के युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सतत विकास की मूलभूत परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। ब्रिक्स के बारे में जानकारी, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स नाम दिया गया। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य के प्रक्षेपण वाहन
को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर का कहां से सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसरो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। इस परीक्षण का उद्देश्य आगामी प्रक्षेपण वाहनों के लिए नई प्रणोदन प्रणाली की खोज करना है। IPRC में परीक्षण की नई गति 30 किलो एन हाइब्रिड मोटर मापदंडी और स्केल बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भरत लाल। भरत लाल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने श्रीनिवास का स्थान लिया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल सेंट्रल फॉर गुड गवर्नेंस। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 2014 को हुई थी। कार्यकाल इसका नई दिल्ली में स्थित कार्यालय और शाखा इसकी मसूरी उत्तराखंड में है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां, राष्ट्र संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट अजय कोचर बने हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी बने हैं। वायुसेना के अकादमिक कमांडेंट वी चंद्रशेखर बने हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए समुदाय पुलिस बल और पहल और वी केयर पहल को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी के सक्सेना। समुदाय पुलिस पहल का उद्देश्य दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है ताकि जनता के साथ अधिक से अधिक समन्वय बनाकर रखा जा सके, पुलिस जनसंपर्क स्थापित कर सके। वी केयर पहल के तहत सभी जिला उपायुक्त अगले 3 महीनों के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने अपने क्षेत्र के विभिन्न समुदाय पुलिस गतिविधियों का आयोजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 सितंबर। हर साल 23 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। तकनीक सफलताओं और नवाचार के प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ताह का प्रयोगशाला नामक थीम आधारित अभियान को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री। यह अभियान देश भर में फैले 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशाला और संस्थाओं में से एक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नामक लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन ने चंद्रमा पर ज्वालामुखीय मलबे और संभवित ईंधन स्रोत के बीच एक नए प्रकार का क्रिस्टल की खोज की है जो पृथ्वी पर ऊर्जा के उत्पादन में क्रांति लाने में मदद कर सकता है। यह एक छोटा सा पारदर्शी क्रिस्टल है जिसका नाम चेन साइज वाई चीनी चंद्रमा देवी चांग ई के नाम पर रखा गया है। यह करीब 1 अरब वर्ष से अधिक पुराना है और मानव बल जितना चौड़ा है। बाल चीन के बारे में जानकारी, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। इसकी करेंसी रेनमियान युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन भारत और चीन के बीच बॉर्डर इंटरनेशनल लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचरे से खिलौने बनाने के लिए स्वच्छ टॉय केथॉन नामक प्रतियोगिता को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। यह प्रतियोगिता स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सूखे अपशिष्ट का उपयोग करके खिलौने के डिजाइन में नवोन्मेष लाना है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीम वर्ल्ड। टीम वर्ल्ड ने टेनिस की दुनिया की सबसे खास प्रतियोगिता लेवर कप 2022 में टीम
यूरोप को 13-8 से हराकर अपना पहला खिताब जीता है। लेवल कप टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच एक अंतरराष्ट्रीय इंडोर हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, यह 5वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम क्षेत्र। दिलीप ट्रॉफी 2022 के फाइनल में पश्चिम क्षेत्र ने दक्षिण क्षेत्र को 294 रनों से हराकर 19वीं बार यह खिताब जीत लिया है। दिलीप ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित एक वार्षिक प्रथम श्रेणी क्रिकेट है। इसमें सर्वाधिक रन यशवी जायसवाल ने बनाए पश्चिमी क्षेत्र से 497 रन। सर्वाधिक विकेट साई किशोर ने लिए दक्षिणी क्षेत्र से 17 विकेट। प्लेयर ऑफ द सीरीज जयदेव उनादकट को दिया है पश्चिमी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आशा पारेख। दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। आशा पारेख एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2019 में रजनीकांत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र नामक अभियान को किसने चलाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय जांच ब्यूरो नई दिल्ली। मेघ चक्र बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को और उसे साझा करने वाले खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत में विभिन्न कानून प्रवर्तक एजेंसियों से जानकारी एकत्र करना और वैश्विक स्तर पर संबंधित कानून प्रवर्तक एजेंसियों से के साथ जुड़ना है। CBI इसका फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉर्जिया मेलोनी। इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे ज्यादा 43.8% वोट मिले हैं। इस पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी हैं, जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। इटली के बारे में जानकारी, इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो है। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्तेरोन है। पिछले टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे बने हैं। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम बने हैं। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री लिज ट्रस बनी है। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने हैं। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री यर लेपिड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रियोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेंगलोर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 208 करोड़ की लागत से रॉकेट इंजन निर्माण सुविधा को बेंगलोर में उद्घाटन किया है। यह सुविधा हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन निर्माण करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगी। इसरो के रॉकेट इंजन निर्माण की इच्छा को पूरा करेगी। इसका निर्माण 4,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 सितंबर। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस को मनाने की शुरुआत 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लगातार पर्यावरण में हो रहे नुकसान की तरफ लोगों को ध्यान आकर्षित करना है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अस्ताना कजाकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की इस बैठक के दौरान मुख्य तौर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने और संबंधी मामलों पर चर्चा की गई है। इसमें प्रमुख तौर पर सदस्य देशों के अभियोजक अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ कानून अधिकारी शामिल होते हैं। अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक में भारत के नेतृत्व देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एम श्रीनिवास। डॉक्टर एम श्रीनिवास अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के नए निदेशक बने हैं। इन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको एम्स बोलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी स्थापना 1956 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, के राजा प्रसाद रेड्डी। के राजा प्रसाद रेड्डी भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इन्होंने मोहित जैन का स्थान लिया है। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 27 फरवरी 1939 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। भूस्खलन निगरानी रडार को भारतीय सेना तथा रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा उत्तरी सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। यह रडार 3 सेकंड के भीतर हिमस्खलन का पता लगाने की क्षमता रखता है, जिसके कि अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में सैनिक और नागरिक के साथ साथ वाहन को भी बचाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए भारत विद्या नामक ऑनलाइन शिक्षा मंच को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। भारत विद्या अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कला, वास्तुकला, दर्शन, भाषा और विज्ञान के बारे में इंडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को कवर करने और मुक्त और भुगतान दोनों पाठ्यक्रम को पेशकश करेगा। भारत विद्या को भंडाकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित श्रेणी में वेक्थु पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेनियल स्पीलमैन अमेरिका। वेक्थु पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणी, गणित, मौलिक भौतिकी और जीवन विज्ञान के तहत प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुएला ब्रेवरमैन। ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इनको यह पुरस्कार दिव्यांगत महारानी को समर्पित एशिया अचीवर्स अवार्ड 2022 में नई भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी रत्न कंपनी रेलटेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय कुमार। संजय कुमार रेलटेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। इन्होंने पुनीत चावला का स्थान लिया है। रेलटेक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना सितंबर 2000 में हुई थी, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बथुकम्मा महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना का एक राजकीय त्योहार है, जहां महिलाएं बथुकम्मा नामक फूल के बड़े ढेर बनाकर प्रकृति का सम्मान करती हैं। बथुकम्मा का अर्थ जीवन की देवी। तेलंगाना के बारे में जानकारी, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदर राजन है। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भाउया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नदी दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 सितंबर। हर साल सितंबर के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2005 में हुई थी। यह दिवस नदियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके संरक्षण पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है। इस साल 18वां विश्व नदी दिवस मनाया गया है। भारतीय रेलवे
ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आवागमन के समय की स्वचालित ट्रैकिंग के लिए किस संस्था के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली स्थापित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसरो बेंगलोर। RITS तकनीक को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें ट्रेन के इंजन पर डिवाइस लगाकर ट्रेन की आवाजाही की रियल टाइम जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनायक गोडसे। विनायक गोडसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO बने। इन्होंने राम वैसरी का स्थान लिया है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना अगस्त 2008 में हुई थी। मुख्यालय नोएडा में। इसके संस्थापक नेस्कॉम है, अध्यक्ष राजेंद्र एस पवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिभा भौमिक। यह ऐप भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से सांकेतिक भाषा शब्दकोश पर आधारित है, जिसमें 10,000 शब्द हैं। इस ऐप में डिक्शनरी के सभी शब्दों को हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग करके खोजा जा सकता है, जो एंड्रॉइड और iOS संस्थानों में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा का अनावरण किया है। इस विश्वकोश को जारी करने का उद्देश्य जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को बरखने से बचाना है। ओडिशा के बारे में जानकारी, ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने मुखमित एस भाटिया का स्थान लिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मंत्रालय जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। इस सम्मेलन में अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के दुष्प्रभाव, सरकार द्वारा किए रहे विभिन्न सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे की तैयारियों पर विभिन्न पक्ष द्वारा विचार मंथन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीक को सत्यापित करने के लिए किस देश ने शियोन 14 और शियोन 15 नामक के प्रयोग उपग्रह को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। चीन ने शियोन 14 और शियोन 15 नामक दो उपग्रह को कोजियो 1A रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है। इन उपग्रह में शियोन 14 का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीक को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा, जबकि शियोन 15 भूमि सर्वेक्षण, शहरी नियोजन और आपदा रोकथाम के शमन के क्षेत्र में डेटा प्रदान करेगा। चीनी भाषा में शियोन का अर्थ प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन सलमान। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को सऊद अरब का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इन्होंने अपने पिता शेख सलमान अल सऊद का स्थान लिया है। सऊदी अरब के बारे में जानकारी, या एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल वसुधरा का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चांदीपुर ओडिशा। इस मिसाइल का परीक्षण जमीन पर स्थित पोर्टेबल लॉन्चर से किया गया है। वसुधरा, इसका फुल फॉर्म वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल सिस्टम, एक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे DRDO के रिसर्च
सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। डीआरडीओ के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अध्यक्ष समीर बी कामंत है। सिंधु नेत्र उपग्रह को डीआरडीओ ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेबीज दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 28 सितंबर। यह दिवस विश्व स्तर पर फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायन लुईस पाश्चर की पुण्यतिथि के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने पहले रेबीज की वैक्सीन विकसित की थी। रेबीज एक घातक वायरस है जो संक्रमित जानवरों की लार से लोगों में फैलता है। रेबीज वायरस आमतौर पर काटने के माध्यम से फैलता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नयाघाट बांधा चौराया का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लता मंगेशकर चौक। रामनगरी अयोध्या का नया घाट चौराहा अब लता मंगेशकर चौक के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री जी सतीश रेड्डी ने बुधवार को इसका लोकार्पण किया। पिछले टॉप बदले गए नाम, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अरुणाचल प्रदेश के कुबुत्तू मिलिट्री स्टेशन का नया नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन है। महाराष्ट्र के दौलतबाद किले का नया नाम देवगिरी किला है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नया नाम अस्ताना है। राजपथ और सेंट्रल वेस्टा लॉन दिल्ली का नया नाम कर्तव्य पथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से प्लेबैक सिंगर शैलेश सिंह, संगीतकार आनंद मिलिंद और गायक कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत 1984 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रजनीत कोहली। रजनीत कोहली ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने वरुण बेरी का स्थान लिया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1892 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर में, मूल संगठन वाडिया समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनिल चौहान। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बिपिन रावत के बाद अब भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। CDS का 4 स्टाफ जनरल अधिकारी होता है। ये सभी 3 सैन्य सेवाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्रार में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्रार में 28,728 विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। टॉप 3 के नाम, पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्र ग्रह को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉट अंतरिक्ष यान। डॉट इसका मतलब डबल एस्ट्रॉइड रेडिएशन टेस्ट डॉट मिशन या एक यान है जो करीब 10 महीने पहले रवाना हुआ था। उद्देश्य डॉट नामक अंतरिक्ष यान के जरिए भविष्य में पृथ्वी की ओर किसी क्षुद्र ग्रह के आने की स्थिति में तैयार करने की नई तकनीक का परीक्षण है। नासा के बारे में जानकारी, नासा का फुल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष बिल नेंसन है। इसका मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल महासंघ ने युवा प्रतिभागियों के पोषण के लिए किस राज्य में
ग्रास रूट फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अरुणाचल प्रदेश में अपने जमीनी स्तर पर फुटबॉल विकास योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में फुटबॉल प्रतियोगिताओं को टैप करके उनका चयन करना और पोषण करना है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रश्मिन एम छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तरकी बने हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक भरत लाल बने हैं। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष के राजा प्रसाद रेड्डी बने हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के नए महानिदेशक राजीव बहल बने हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर एम श्रीनिवास बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामले में लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। में मुख्य न्यायाधीश यू ललित की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला किया है। यह स्ट्रीमिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के वेबकास्ट के माध्यम से चलेगी। इस प्लेटफॉर्म की मदद से भारत की शीर्ष अदालत अपने अलग अलग कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हृदय दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29 सितंबर। 29 सितंबर को हर साल विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा पहली बार विश्व हृदय दिवस साल 2000 में मनाया गया था। यह प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।